दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल, यहाँ के बाजार और दिल्ली की चाट काफी है इसे मशहूर बनाने के लिए। दिल्ली दिलवालों की कही जाती है और इसी दिल्ली से मिला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा किरदार जो पिछले 40 सालों से भी लंबे वक्त से बिना थके बिना रुके काम कर रहा है। और मैं भी जाऊंगा आपके पीछे। तू कहाँ जाएगा बे? स्विट्जरलैंड। तू? आधी जगह, आधी जगह। लगभग 35 साल पहले दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक ये जो है जिंदगी दर्शकों को आज भी याद होगा। बुधवार? आज बुधवार है। ओह माय गॉड, मैं तो आज मंगलवार समझ के बैठा हुआ था। और इसी के साथ याद आता है गोल मटोल चेहरा, हंसने को मजबूर कर देने वाले हाव भाव और डायलॉग्स और यादगार अदाकारी। ठाकुर, अपने हाथ मुझे दे दे रे। ऊपर दूंगा, ऊपर देगा, दूंगा पक्का, पक्का। ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा हंसमुख किरदार जो बेहद क्यूट है। शक्ल से तो पहचान ही गए होंगे, नाम है इनका राकेश बेदी। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं। किसी का बचपन तो किसी की जवानी इन्हें देखकर शर्तियाँ ठहाके लगाते हुए बीती होगी। हम लोग यहाँ मेरे बेटे को तलाश करने आए हैं, तेरे बेटे को तलाश करने। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने 80 और 90 के दशक में बड़े और छोटे दोनों पर्दों पर हंसी का जबरदस्त तड़का लगाया। इन्होंने लगभग 20 टीवी सीरियल्स और पौने 200 फिल्मों में काम किया है। राकेश बेदी की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इनमें हास्य रस कूट कूट कर भरा है जो स्थिति के मुताबिक अपने आप फूट पड़ता है। दूध पिया है तो खड़ा हो। नहीं पिया है। क्यों नहीं पिया है? क्योंकि मेरी माँ मेरे पैदा होने के पहले ही मर गई थी, मेरे बाप। तभी तो इनका अभिनय बनावटी नहीं बल्कि सहज स्वाभाविक लगता है। इनके कारनामे ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी लोगों को हंसाते रहे हैं। बताएंगे उनकी एक बेहद मशहूर फिल्म का किस्सा, जब उनकी पोल खुलते ही फिल्म की पूरी यूनिट हंस हंस कर हो गई लोटपोट। साथ ही सुनाएंगे एक दिलचस्प वाकया, जब रात के सन्नाटे में संदिग्ध हालात में राकेश बेदी को पुलिस ने धर दबोचा। क्या है वो कहानी जब केवल 5 मिनट में ही इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देकर राकेश बेदी बाहर आ गए। टीवी के आइकॉनिक किरदार दिलरुबा को कहां और कैसे ढूंढा राकेश बेदी ने? किचन फर्स्ट, बेडरूम फर्स्ट, किचन फर्स्ट। आपको रूबरू कराएंगे उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलुओं से जिनसे शायद आप अनजान होंगे लेकिन जानकर दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हंसी की फुलझड़ी राकेश बेदी को। नहीं, बात तो एक और भी है। क्या बात है महाराज? वो एक बम मेरे घर में भी फूटा। मेरी बीवी ने मुझे। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजी कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ था। इनके पिता मदन गोपाल बेदी इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था। स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद दिल्ली के भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ ये दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। पढ़ाई से ज्यादा थिएटर में इनका मन लगता। बड़ी मेहनत करते, प्ले में पार्टिसिपेट करते, खुद स्पॉन्सर ढूंढते, पोस्टर छपवाते और खुद ही इसे लगाते। यानी छात्र जीवन में पाई पाई बचत का जो संघर्ष होता है वो राकेश बेदी ने भी जिया। आप पोमेरेनियन क्यों पालते हैं? सड़क पर घूमता हुआ पिल्ला क्यों नहीं पालते? क्योंकि पोमेरेनियन और सड़क पर घूमते पिल्लों में फर्क होता है। इसी समय की एक घटना है जो अक्सर राकेश अपने इंटरव्यू में सुनाते नजर आते हैं। दरअसल थिएटर के उन्हीं दिनों की बात है। एक बार वो अपने किसी नए प्ले का पोस्टर लेकर अपने कुछ और थिएटर के दोस्तों के साथ रात में निकल पड़े। काम था उन पोस्टर्स को दीवारों पर चिपकाना। क्योंकि किसी और को ये काम देने पर दाम भी देने पड़ते सो खुद ही संभाल ली कमान। पोस्टर चिपकाने का काम मुस्तैदी से चल ही रहा था कि तभी वहां पुलिस आ गई। रात के इस पहर सक्रिय राकेश बेदी को देखते ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ करने लगी।
वास्तव में पुलिस ने इन्हें और इनके दोस्तों को असामाजिक तत्व समझ लिया था, जो रात के अंधेरे में राजधानी में संदिग्ध हालातों में घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से सभी दोस्त पुलिस को ये समझाने में कामयाब हुए कि वो सब थिएटर आर्टिस्ट हैं और पैसे न होने के कारण ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ रहा है। तब जाकर उन्हें पुलिस ने छोड़ा। मुंजी सुठी वोटी, नारा का प्रोग्राम कैंसिल, फिर वापस चलते चेंबूर, वहां जाके कपड़े उतार देंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने पिताजी से अभिनय की दुनिया में जाने की इच्छा जताई। थिएटर में वो लगातार सक्रिय थे, इसलिए राकेश को खुद पर भरोसा था कि फिल्मों में वो जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पिताजी का सपना तो कुछ और ही था। वो चाहते थे कि राकेश आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। पिताजी का मन रखने के लिए राकेश ने दिल्ली आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने का मन बना लिया। निश्चित तारीख पर वो पहुंच गए एग्जाम देने। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो उन्हें समझ आ गया कि ये उनके मतलब का नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्नों में से उन्हें सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आता था, जिसे उन्होंने हल किया और एग्जामिनर को शीट लौटा दी। वहां मौजूद सारे परीक्षार्थी उनका मुंह देखने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई 5 मिनट में कैसे आईआईटी इंजीनियरिंग की परीक्षा दे सकता है। हैरान परेशान एग्जामिनर के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे वापस अपनी ड्रामा रिहर्सल के लिए जाना है। और वहां से निकलते वक्त राकेश बेदी का सपना और मजबूत हो गया। सबके छाती पे लाद के लेके जाओगे? चलो बोलो बोलो कितना हिसाब हुआ? पिता की बात तो रख ली थी, पर अब उन्हें थिएटर से आगे फिल्मों में जाना था। लेकिन वहां पहुंचने का कोई जरिया भी तो होना चाहिए। ऐसे में उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का ख्याल आया। राकेश ये समझते थे कि अभिनय तो वो कर ही लेते हैं, बस एक सर्टिफिकेट या डिग्री की जरूरत है जिससे बंबई तक उनकी राह आसान हो जाएगी। लगे हाथ उन्होंने इसका भी एंट्रेंस एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी कर लिया। जब वो एफटीआईआई पहुंचे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अभिनय के सागर में उनकी हैसियत गागर जितनी भी नहीं है। उन्होंने आज तक जो कुछ स्टेज पर सीखा और किया वो एक बूंद के समान था। आइडिया ला मुझे ला। अबे ऐसा नहीं यार, बास मारता है। खैर, यहाँ अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और अपने कैलिबर को भी पहचाना। ये वो वक्त था जब फिल्मों में एंट्री के लिए हीरो हीरोइन विलेन और कॉमेडियन के लिए तयशुदा पैरामीटर्स होते थे। उन दिनों हीरो बनने के लिए टॉल एंड हैंडसम होना फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ऐसे ही हीरोइन के लिए गोरी होना अनिवार्य था। विलेन बनने के लिए विलेन जैसा खतरनाक दिखना भी जरूरी था। राकेश को लगा कि वो कॉमेडी में सबसे ज्यादा फिट है, क्योंकि ह्यूमर उनमें नेचुरल था। मैं उल्टे माँ बाप की उल्टी औलाद हूँ। लोगों की औलाद बच्ची पैदा होती है, फिर जवान होती है, फिर बुढ़ी होती है। एफटीआईआई में उनको कई बैचमेट्स भी मिले, जैसे सतीश शाह, सुधीर पांडे, डेविड धवन, प्रकाश झा, विधु विनोद चोपड़ा, ओमपुरी, सुरेश ओबेरॉय और कुंदन शाह। ये सभी आज की तारीख में नामचीन हस्ती हैं। एफटीआईआई से ग्रेजुएट होने के बाद राकेश बेदी ने 1979 में फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वाह वाह, कहीं आज मेरा जन्मदिन तो नहीं? अबे तेरा नहीं, मेरा होगा। अबे चुप, आजा आजा। इस साल फिल्म हमारे तुम्हारे में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने कभी भी फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1981 में आई उनकी बेहद सफल फिल्म चश्मे बद्दू, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों की काफी प्रशंसा मिली। क्या जानिए कि छाती जले है या दागे दिल, एक आग सी लगी है कहीं कुछ। इसी साल उन्होंने बुलंदी फिल्म में भी काम किया। फिर आई उनकी कई फिल्में, जैसे कलाकार, एक जान है हम, लवर्स, दो गुलाब, नसीब अपना अपना, ड्यूटी, दादागिरी, हवालात, हत्या, एक ही मकसद, नकाब, आजाद देश के गुलाम, माँ कसम बदला लूंगा, बेनाम बादशाह, नंबरी आदमी, अफसाना प्यार का, इंसानियत की देवता, तिरंगा, आशिक आवारा, दुलारा, मेरा दामाद, यस बॉस, हद कर दी आपने, गदर, मेरे जीवन साथी, नॉटी एट 40 और उरी। डॉक्यूमेंट को नहीं साइन किया था? महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी नहीं था रूम में। इन सब फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। टीवी पर तो उनका काम कमाल का रहा। श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, जबान संभाल के, जाने भी दो पारो और ये जो है जिंदगी को कौन भूल सकता है। उन्होंने ZQ पर साइंस विद ब्रेन कैफे नाम का एक साइंस शो भी होस्ट किया। 2012 में टीवी डेली सोप शुभ विवाह में भी नजर आए।
2015 से भाभी जी घर पर है में भूरे लाल के किरदार में सबका मनोरंजन कर रहे हैं। तुम्ही ने मुझे जहर दिया है और तुम्ही जीने की दुआ दे रहे हो। इन सब के बावजूद राकेश बेदी का पहला प्यार थिएटर है जिसे उन्होंने पिछले 40 सालों में कभी मिस नहीं किया। 2008 में सीरियल यस बॉस के लिए कॉमिक रोल के बेस्ट एक्टर के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किए गए। राकेश बेदी के बड़े पर्दे से छोटे पर्दे यानी टीवी में आने की कहानी बड़ी मजेदार है। दरअसल 1984 में उन्हें ये जो है जिंदगी सीरियल में रोल का ऑफर मिला जिसे शरद जोशी ने लिखा था और कुंदन शाह इसके डायरेक्टर थे। जाऊंगा ये तो मेरा फर्ज है। रेनू दीदी अगर चाहती है कि आज शाम तक सोफा। लेकिन बेदी एक उलझन में थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं टीवी पर काम करने से फिल्मों में ऑफर मिलने बंद ना हो जाएं। एक महीने गुजर गए, ना तो उन्होंने हाँ बोली और ना ही मना किया। इसी बीच उन्हें एक किताब हाथ लगी जिसमें अमेरिका में टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रियता को लेकर बहुत सारी बातें लिखी थी। उस दौर में हॉलीवुड का हर बड़ा एक्टर टीवी में भी एक्टिंग कर रहा था। बेदी ने ये किताब पढ़ने के बाद ये जो है जिंदगी सीरियल में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। अरे कोई गाना तो सुना रे। गाना कौन सी फिल्म का? शोले का ही सुनेंगे और कौन सा। इसे करने के बाद उन्हें इस कदर लोकप्रियता मिली कि इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया। जहाँ जाते लोग घेर लेते, ऑटोग्राफ मांगते, बातें करते, आगे नहीं बढ़ने देते। एक वक्त आया जब वो इन सब से इतना परेशान हो गए कि मुंह पर रुमाल लगाकर घर से निकलते ताकि लोग उन्हें पहचान न सके। धारावाहिक श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा को दर्शकों का खूब प्यार मिला। ये नाम इतना फेमस हुआ कि आज तक राकेश बेदी को लोग दिलरुबा कहकर पुकारते हैं। मजे की बात यह है कि ये किरदार उन्हें एक शादी समारोह में मिला था। जैसे ही उन्होंने स्टेज पर खड़े दूल्हे को देखा तो बेदी को लगा कि यही तो है उनका दिलरुबा। बस पूरे टाइम वो दूल्हे की बॉडी लैंग्वेज को देखते रहे और उसे करते भी रहे। समाल। अरे बोलो गरम क्या भाई बोलो। नीचे तवा है ऊपर मेरा सर। तो तवा इसके मुंह में मारो। फिल्मों और सीरियल में राकेश बेदी के किरदार जितने चुटीले, मजाकिया और गुदगुदाने वाले होते हैं उससे कहीं ज्यादा मजेदार रही है उनकी निजी जिंदगी। यूं तो उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्से रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ का जिक्र करना जरूरी है। पहला किस्सा 40 साल पुराना है। फिल्म चश्मे बद्दूर में बेदी तलवार कट मूछ में नजर आते हैं, यानी होठों के ऊपर एक पतली सी लाइन की तरह मूछें, जो उस जमाने में काफी पॉपुलर थी। राकेश बेदी की इस मूछ की असलियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी। इसी बीच राकेश को एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। वहां पहुंचने पर डायरेक्टर ने कहा कि मूछें हटा दो। अब राकेश दुविधा में थे लेकिन कर भी क्या सकते थे, उन्हें अपनी मूछें कुर्बान करनी पड़ी। खैर ये रोल करके अगले दिन बेदी दिल्ली पहुंच तो गए लेकिन काफी डरे हुए थे। दरअसल चश्मे बद्दूर की डायरेक्टर सई परांजपे काफी गुस्सैल थी। अब एक दिन में असली मूछ तो आ नहीं सकती थी तो सेट पर डांट से बचने के लिए राकेश ने एक जुगत लगाई। उन्होंने पेंसिल से अपनी मूछें बनाई और शूटिंग पर चले गए। 3-4 दिन तक तो सब ठीक रहा लेकिन जब एक दिन उन्हें ज्यादा पसीना आया तो जल्दबाजी में तौलिए से मुंह पोंछ लिया। वहां फारूक शेख और बाकी क्रू मेंबर्स बेदी को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे क्योंकि नकली मूछ का सच सबके सामने आ चुका था। आधी मूछ साफ हो गई थी। डायरेक्टर से खूब डांट पड़ी लेकिन खुद को बचाने के लिए बेदी ने एक कमाल का लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि जब 4 दिन तक किसी को पता नहीं चला तो आगे फिर कैसे पता चलेगा, सो रिलैक्स। क्या बोला, कहाँ का मशीन ठीक करना है? क्या बोला? समझ गया, कान का मशीन, थोड़ा कनेक्शन लूज है। राकेश बेदी और फारूक शेख के बीच कमाल की दोस्ती थी। दोनों साथ थिएटर ग्रुप में भी काम करते थे। फारूक को खाने का और खिलाने का बहुत शौक था। बेदी बताते हैं कि दिल्ली में शूटिंग के दौरान रोजाना शाम को वो किसी फेमस स्ट्रीट फूड का रास्ता ढूंढा करते थे, फिर तसल्ली से खाने और खिलाने के बाद बिल देने नहीं देते थे, खुद ही चुकाते थे। क्या शेर सुनाया था कमबख्त ने, या रहे इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर। बेदी अपने काम के प्रति कितने गंभीर और डेडिकेटेड है इस बात का अंदाजा तब होता है जब उन्होंने एक शॉट के लिए 100 रिटेक दिए। दरअसल उरी फिल्म में उनके किरदार को बार बार डकार लेते हुए अपने डायलॉग बोलने थे। ये काफी मुश्किल था पर उन्होंने इन सीन्स को डब नहीं किया,
डकार के शॉट के 100 रिटेक हुए और अंत में उनका वो रोल यादगार बन गया। तुम लोग साले एक नंबर के गलीज, घटिया, कमीने। अपने हसमुख अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले राकेश बेदी खुद चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन हैं। जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि राकेश बेदी असल जिंदगी में एक धीर, गंभीर और पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कुछ नाटकों को भी लिखा है, जिनमें से एक तो दुनिया भर में मशहूर हुआ, जिसका नाम है मेरा वो मतलब नहीं था। निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी आराधना बेदी से हुई है। इनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम रिद्धिमा बेदी और रितिका बेदी है। बेदी को शेर व शायरी का बहुत शौक है, वो लिखते भी हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली, जो गालिब के बड़े फैन थे। पिताजी डांटते भी थे तो गालिब का शेर सुनाकर। उनकी शायरियों ने इन्हें भी गालिब का फैन बना दिया। मौका मिलने पर बेदी मुशायरों में भी शिरकत करते हैं। देख, मेरे बाप ने तेरे लिए नई गाड़ी लेके दी है मीना, आ जा मेरी गाड़ी में आ जा। अरे छोड़ उस बस को, मेरी गाड़ी में आ जा, कम कम। राकेश बेदी को देखकर कहना मुश्किल है, पर ये बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं। रूटीन एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। किसी भी गम को जल्दी भूलकर एक नई शुरुआत करना बेदी की आदत में शुमार है। उनके दिल में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, तभी तो उसकी गहराई से जन्म लेता है हर बार एक मस्त मौला किरदार, जिसके अलग अलग रंग हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग अपील देता है, जिसकी ऐसी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग है जो कभी फेल नहीं होती। राकेश बेदी से लोगों को और नए किरदारों की उम्मीद हमेशा बरकरार रहेगी। उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।